आज हम बात करेंगे नॉर्थन यूरोप में स्थित आइसलैंड देश की, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आइसलैंड की कुल आबादी 3,87,758 है, जिसमें से 60% आबादी अपने देश की राजधानी रिकाजविक शहर में रहती है। आइसलैंड में मुख्य तौर पर बोले जाने वाली भाषा आइसलैंडिक है, और दूसरी भाषा जो काफ़ी इस्तेमाल में ली जाती है वो है इंग्लिश भाषा। क्या आपको पता है, आइसलैंड पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा बसाए जाने वाले अंतिम स्थानों में से एक है। लगभग 1100 साल पहले नॉर्वे के वाइकिंग्स ने गलती से आइसलैंड की खोज की थी। आइसलैंड में हॉट स्प्रिंग्स पूरे देश में पाए जाते हैं, और आप इसके अनुभव को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। आपको यहाँ के लोग 12 महीने हॉट स्प्रिंग्स में स्विमिंग करते और अपना टाइम स्पेंड करते हुए मिल जाएंगे। आइसलैंड को दुनिया के पर्यावरण के अनुकूल देशों में से एक का दर्जा दिया गया है, और आइसलैंड में पावर जनरेशन भी रिन्यूएबल सोर्सेज से ही किया जाता है। 2014 में आइसलैंड की राजधानी रिकाजविक शहर को नॉर्डिक नेचर एंड एनवायरनमेंट प्राइज भी मिल चुका है। रिकाजविक देश 2040 तक कार्बन न्यूट्रल सिटी बनने का लक्ष्य लेके काम कर रहा है। आइसलैंड देश के लोग हर सप्ताह 45 घंटे काम करते हैं, जो कि यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा समय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइसलैंड देश में बियर पे 1915 में बैन लगा दिया था, जो कि 74 साल बाद 1989 में हटा। और इस खुशी के मौके को आइसलैंड के लोग हर साल 1 मार्च को बियर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइसलैंड का 11% हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है, और यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर वाटनाजोकुल आइसलैंड देश में ही पाया जाता है। आइसलैंड में ग्लेशियर्स मुख्य आकर्षणों में से एक है। आइसलैंड में पढ़ने की परंपरा 13वीं शताब्दी से है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर 10 में से एक आइसलैंडर अपने जीवन काल में एक किताब प्रकाशित करता ही है। और अगर हम आइसलैंड की लिटरेसी रेट की बात करें तो वो 99% है। आइसलैंड देश के राष्ट्रीय झंडे में इस्तेमाल होने वाले 3 नेशनल कलर्स आइसलैंड को बनाने वाले एलिमेंट्स को भी दर्शाते हैं। लाल रंग आइसलैंड के ज्वालामुखी की आग को दर्शाता है, सफ़ेद रंग बर्फ को, और नीला रंग महासागर को दर्शाता है। बहुत से लोग आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स के नेचुरल लाइट शो को भी देखने जाते हैं, जो कि सितंबर से मार्च मंथ तक देखा जा सकता है। अगर आप कभी आइसलैंड जाएं तो इसे ज़रूर देखें। आइसलैंड में करीब 10,000 वाटरफॉल्स हैं, बट उनमें से एक जो बेहद खूबसूरत है और लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, उसका नाम है गुलफोस फॉल्स, जिसे गोल्डन फॉल्स भी कहा जाता है, जो कि हिविटा की ग्लेशियर नदी पर स्थित है। वैसे तो आइसलैंड में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, बट एक्टिव वॉल्केनोज की संख्या 32 है। आइसलैंड पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय क्षेत्रों में से एक है, और औसतन हर 4 साल में एक विस्फोट होता है। जब भी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो उसके नज़ारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और ये एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जिसके लिए यहाँ का प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कराता है, जिससे लोग सुरक्षित रूप से नज़ारे का लुफ्त उठा सकें। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंडिक घोड़ों की बात तो करनी ही होगी, जो कि एक छोटे कद के घोड़ों की बहुत ही खूबसूरत प्रजाति है, जिसकी कई कंट्रीज़ में डिमांड भी बहुत है। आइसलैंडिक घोड़े आज से 1100 साल पहले वाइकिंग्स के द्वारा लाए गए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आइसलैंडिक घोड़ों की संख्या आइसलैंड में 80,000 है। अगर आप कभी आइसलैंड जाएं तो इसकी सवारी ज़रूर करें। इसी के साथ अंत में मैं आपको एक खूबसूरत और बहुत ही प्यारे पक्षी अटलांटिक पफिन्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। आइसलैंड अटलांटिक पफिन्स का घर है, जहाँ विश्व की इनके कुल आबादी का 60% हिस्सा रहता है। आइसलैंड दुनिया की पफिन्स देखने वाली राजधानी है। दुनिया भर के बर्ड वॉचर्स और वैज्ञानिक इस दिलचस्प प्रजाति को देखने के लिए आइसलैंड आते हैं। आइसलैंडिक भाषा में पफिन्स को लुंडी कहा जाता है। अगर आप कभी गर्मियों के मौसम में आइसलैंड जाएं, तो मई से अगस्त के बीच के समय पफिन्स देखने के लिए बेस्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।